डेढ़ महीना खांसी हुआ, खांसी आने के बाद मैं कफ सिरप भी लिया लेकिन उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ। जब बलगम से मेरा ब्लड आने लगा तब मुझे लगा कि अब मुझे जांच कराना चाहिए। बलगम लेके गए, यहाँ पर जांच किए, जांच करने के बाद कहे कि तुम्हारा एक्सरे होगा। नगर हम गए एक्सरे कराए तो एक्सरे में पूरा निकल गया पॉजिटिव कि आपका पूरा जकड़ गया है, आपको टीबी का दवा खाना होगा। जब हमको पता चला कि टीबी है तो हमारे मन में एकदम मैंने कई तरह का भावनात्मक आने लगा कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये टीबी है क्या चीज़, हमको जानकारी भी नहीं है। घर में खाना पीना भी देने में परिवार लोग भी झिझकती थी कि इनको टीबी वगैरह अगर देंगे तो हमारे बच्चे लोग को भी हो जाएगा। जब मैं दवा खाकर ठीक हुआ तो मेरे अंदर और तुरन्ना जगा कि अब मैं दूसरे के लिए भी अब इसका प्रेरणा स्रोत बनूँ। कैपेसिटी बिल्डिंग हमको रांची में हुआ, प्रोग्राम हुआ, उस कैपेसिटी बिल्डिंग में मैं गया, वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला हमको। बस यही समझ में आया कि सब कोई भाई खुल के बोल रहा है, बतिया रहा, बात कर रहा है, वहाँ जाने के बाद हमको भी थोड़ा सा ऊर्जा मिला बात करने के लिए। अधिकारी लोग, पदाधिकारी लोग सब आए, खुल कर बताए कि भाई इसमें भेदभाव नहीं है। आने के बाद मैं सबसे अपना जीवन के प्रेरणा में लगा दिया, हर गाँव देहात एरिया में जहाँ भी कोई अगर टीबी के बारे में न जानता हो उनको हम जानकारी दें। पब्लिक से नहीं मिल पाते थे, मैंने हेडमास्टर के पास जाने से भी डर लगता था कि क्या बोलेंगे क्या कहेंगे, लेकिन वहाँ से हमको कैपेसिटी बिल्डिंग से ऊर्जा मिला। ऊर्जा मिलने के बाद हम जब यहाँ गांव में आए, हम पद यात्रा, एक छोटा सा पद यात्रा की, पद यात्रा में हम जागरूकता किए, पूरे रमुना में घुमवाए। पद यात्रा से जान गए कि टीबी चैंपियन, अभी हम हमारे गाँव में जाइएगा तो वही बोलेगा कि चैंपियन वाले भैया आ गए। हम लोग जितने सर्वाइवर थे एक हम लोग नेटवर्क बनाया है, तेज नेटवर्क, जो टीबी मरीज जो टीबी से दवा खाकर ठीक हो चुका है उसको चैंपियन बनाया गया है। हम अपने गढ़वा जिला में 150 को जोड़ चुके हैं, जो कि अभी पूरे झारखंड में 400 को जोड़ चुके हैं, और हमका मिशन है कि साल और दो साल के अंदर में ये 4000 तक तेज नेटवर्क हम लोग जोड़ लेंगे। टीबी चैंपियन होने का मतलब है दूसरे पर स्रोत बनना, दूसरे को जीवन दान देना ही सबसे बड़ा टीबी चैंपियन का स्रोत है। बस मैं एक ही उद्देश्य लेकर चला है कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा।